स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड थर्ड का हिंदी विषय पार्ट वन, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का है चैप्टर टू। और ये लेसन हमारे हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वर्णमाला तथा मात्रा है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला और उनकी मात्राओं के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे हिंदी के लिए बहुत ही जरूरी है जानना। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि कहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी है और वर्णमाला क्या होता है। जब तक हमें वर्णमाला की जानकारी नहीं होगी, जब तक हमें वर्णमाला के ज्ञान नहीं होगी, तब तक हम कभी भी सही से हिंदी व्याकरण कर ही नहीं सकते हैं, नहीं तो वो गलतियाँ होती रहती है। तो इसीलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला तथा मात्रा। तो पहले हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पता है कि भाषा पिछले वीडियो में पढ़े थे, भाषा किसे कहते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे हम वर्ण भी कहते हैं। नहीं समझे? देखो बच्चों, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि।
ये हमारा